हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का पराठा। ऐसे आलू का पराठा और गोभी का पराठा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हम चने की दाल का पराठा बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चने की दाल 5 से 6 घंटे पहले भिगा दिया था और अब देख सकते हैं बिल्कुल फूल चुका है। रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना और इसे भून लेंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और 8 से 10 लहसुन की कलियां और इसे अच्छे से पका लेंगे। लहसुन हल्का हल्का सा भुन गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 रेड चिली, साबुत लाल मिर्ची है, थोड़ा सा डाल देंगे हींग और अब इसमें डाल देंगे चने की दाल जो हमने भिगा के रखा था और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट अनुसार नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कटोरी पानी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। जब आपको लगे कि दाल सूख चुकी है और पकी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और बीच बीच में आप इसे चेक करते जाएं कहीं दाल नीचे से जल तो नहीं रही है। 5 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार दाल को चेक कर लेंगे। यहाँ पर दाल का पानी पूरी तरह से सूख चुका है और इसको एक बार देख लेंगे। दाल थोड़ा सा भी कम पकी है तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, दाल हमारी पूरी तरह से पक चुकी है और बिल्कुल पानी भी सूख चुका है। तो आप एक बार इसको देख लें, हमें बढ़िया सा ये हाथों से मसल जा रहा है। तो अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे पीस लेंगे। आप ग्राइंडर जार में इसको पीस लें। यहाँ पे हमारी पराठे की फिलिंग रेडी हो चुकी है, हमने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल अच्छे से पीस गया है। इधर हमने गेहूं का आटा 2 कटोरी ले लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूँथ लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथना है आपको। गैस पर हमने नॉर्मल रोटी वाला तवा रख दिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। आटे की हमने 2 बराबर बराबर लोई तोड़ ली है। इस ढंग से आप साइज़ में लोई बना सकते हैं, आप छोटा या बड़ा जैसे भी बनाना चाहें। ऐसे इस दाल के पराठे को हम थोड़ा सा मोटा ही बनाते हैं, ट्रेडिशनली ये मोटा बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इतना बड़ा एक लोई बना ली है और इसे कटोरी नुमा आकार दे देंगे थोड़ा सा हाथों से दबा दबा के। इधर हमने फिलिंग की छोटी छोटी गोली बना ली है, जितना हमने आटे की ली थी उतना ही मैंने ये फिलिंग भी लिया है और इसे दबाते हुए फिलिंग को बंद कर देंगे। इस ढंग से अच्छे से बंद करना है जिससे ये फटे नहीं और अच्छे से बेला जा सके। तो ध्यान से इसे बंद करें इस ढंग से और हाथों से गोल कर देंगे हम। इसी ढंग से हम दूसरी गोली भी बना लेंगे और इसे भी फिलिंग को अच्छे से बंद कर देंगे। आप चाहें तो एक एक करके बना सकते हैं, लेकिन हमने 2-3 एक साथ बना के रेडी कर दिया है। इस ढंग से थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हमने इसे उंगली की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लिया है जिससे ये बेलने में इजी हो जाएगा और इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। पराठे को हम तवा पे डालेंगे और थोड़ी देर इसे पकने देंगे 1 मिनट। जब नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हमें इसे पलट देना है। पराठे को हम पलट लेंगे दूसरी साइड में भी, इसे हम पलट लेंगे दोबारा। आप देख सकते हैं दूसरी साइड में भी अच्छे से पक चुका है। इसमें भी हम ऑयल लगा देंगे बढ़िया सा, ये हमने सरसों के तेल में बनाया है। आप चाहें तो किसी भी तेल में बना सकते हैं, वैसे ट्रेडिशनली ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और इसे भी अच्छे से पका लेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठे अच्छे से फूल रहे हैं,
पराठा रेडी हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो घर में एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।